हे गेमर्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग। होपफुली आप सब ने रजिस्टर कर लिया होगा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा। नहीं किया तो फटाफट जाके कर लो भाई, जैसे ही गेम आएगा ताकि आप उसको खेल सको। यहाँ पे हमारे पास है इन्फिनिक्स का हॉट टेनिस, जो कि दो दिन बाद लॉन्च होने वाला है, 20th को लॉन्च होगा। 20 मई को इसका लॉन्च है, पर हम इसकी वीडियो आपको पहले ही दिखा रहे हैं लॉन्च से पहले। और हमारे पास यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो इन्फिनिक्स हॉट टेनिस है, और यहाँ पे हम गिव अवे कर रहे हैं एक यूनिट का। जी हाँ, अभी हम दोनों यूनिट्स गिव अवे नहीं कर रहे हैं, हम ये ब्लू वाला यूनिट को गिव अवे कर रहे हैं, और आप में से एक लकी विनर इसको जीत सकता है। दूसरा यूनिट हम गिव अवे करेंगे काफ़ी जल्दी, तो हमें फॉलो करते रहिएगा सोशल मीडिया पे, इसके गिव अवे सोशल मीडिया पे होगा। तो यहाँ पे आपको 6.82 इंच का ये HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास दो वेरियंट्स रहेंगे, 4GB रैम और 6GB रैम का। ये वाला वेरिएंट 6GB रैम का है, और जो ब्लू वाला वेरिएंट है वो हमारे पास 4GB रैम का वेरिएंट है। 64GB की स्टोरेज रहेगी, 6000mAh बैटरी है, एंड्रॉइड 11 पे रन करता है, और यहाँ पे आपको मिलता है हीलियो G85। तो कैसे ये परफॉर्म करेगा वो देखेंगे हम। पहले फटाफट से इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं इसकी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 37.5 मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहे हैं। चिन पे इसका 37.5 है टेम्परेचर, और बैक साइड की बात करूँ तो बैक पे आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली थोड़ा ठंडा है, 35.5 के अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फटाफट चेक करते हैं गेम को लॉन्च, आपको सारी ग्राफिक ऑप्शंस दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना FPS ये मेंटेन कर पाता है और कोई हीटिंग इसमें होती है या नहीं। तो गाइज, ये रहा हमारा कुछ सेटअप। आप नीचे लोअर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं आपको हैंड कैम दिख रहा होगा, जिसमें आप डायरेक्ट डिवाइस को भी देख पाएंगे। और डिवाइस की ब्राइटनेस मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, अब इसकी डिवाइस की ब्राइटनेस मैक्सिमम है। और यहाँ पे हमने केबल कनेक्ट कर रखी है ताकि हम USB के वायर स्क्रीन मिरर कर सके, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ताकि डिवाइस पे एकदम मिनिमम लोड पड़े, और ये ऑडियो कैप्चर के लिए ताकि आपको डायरेक्ट गेम साउंड सुनता रहे कि कैसा चल रहा है। अगर मैं फटाफट से सेटिंग्स में जाऊं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ग्राफिक्स में आपको स्मूथ में अल्ट्रा यानी 40 FPS मिलता है, जैसा G85 से आप एक्सपेक्ट करेंगे। बैलेंस में भी अल्ट्रा और HD में हाई रहता है। तो अभी के लिए बेस्ट सेटिंग मेरे ओपिनियन में स्मूथ अल्ट्रा रहेगी। स्मूथ एक्सट्रीम अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो अलग से हम आपको करके दिखा देंगे। और गिव अवे भी होने वाला है तो सब्सक्राइब करना उसके लिए भी ज़रूरी रहेगा ही। टर्म्स हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं ये स्मार्टफोन। तो फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं, आपको जायरोस्कोप टेस्ट भी दिखाएंगे इसका। पहले TDM से स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे इसके क्लासिक मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये रहा TDM, और सबसे पहले हम चीज़ जो चेक करते हैं वो है जायरोस्कोप। तो यहाँ पे जाके मैं ऑलरेडी ऑन कर चुका था, तो ये स्कोप ऑन आप देख सकते हैं आप कर पाएंगे यहाँ पे। और फटाफट से अगर मैं यहाँ पे स्कोप इन करूँ और मूव करूँ, तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिले है। मतलब मैं नीचे मूव करके एक दो, तो जायरोस्कोप यहाँ पे खेलने लायक नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा डिले है। जब तक आप लेके जाएंगे जायरोस्कोप से, तब तक वो बंदा आपको मार ही देगा। तो यहाँ पे जायरो से रिकॉइल कंट्रोल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अगेन उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिले है, तो पता नहीं थोड़ा अजीब सा लगेगा कि कैसा चल रहा है। तो जायरोस्कोप प्लेयर्स के लिए नहीं रहेगा ये डिवाइस, उसके बिना हम बाकी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि गेम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे 40 FPS काफ़ी ठीक मेंटेन कर रखा है इसने अभी TDM में, तो एकदम ऐसा लग रहा है ड्रॉप ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिपक के 40 दे रहा है। ये देखो ड्रॉप है ना, यहाँ पे फ्रेम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। और आई एम सरप्राइज, GT5 में हमने कुछ डिवाइसेज में देखा है कि फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, TDM में भी, यहाँ पे तो एकदम चिपक के 40 दे रहा है। तो TDM में तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस आने वाला है यार आपको।
तो अगर यहाँ पे हम आ गए हैं आप सबके फेवरेट मैप सनहॉक में डिवाइस टेस्टिंग के लिए फेवरेट मैप, वैसे तो मुझे पता सबको रैंगल ज़्यादा पसंद है शायद, आपका फेवरेट मैप कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना। पर यहाँ पे हम सनहॉक में बूट कैंप पे उतरेंगे और लेट्स सी कि बूट कैंप में फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं नहीं आते। अगर इसने बूट कैंप हैंडल कर लिया अच्छे से तो आप मान के चलिए कोई भी मोड ये हैंडल कर लेगा, कोई भी मैप इनफैक्ट ही हैंडल कर लेगा। तो सनहॉक बूट कैंप में उतर के देखते हैं कि कितने फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं या नहीं आते। और ये नॉर्मल मोड है, कोई आपका वो वाला नहीं है जो नया गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग वाला चल रहा है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स एक्स्ट्रा दिखते हैं हमें किसी भी डिवाइस में, नॉट जस्ट इन दिस वन, बाकी डिवाइसेस में भी हमें उसमें थोड़े ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे हमने जंप कर दिया, जंप करते आप देख सकते हैं 20s में गए। ओ भाई बहुत लोग उतरे हैं भाई, वाट लगेगी। फिर वापस फटाक से 40 आ गया अभी के लिए, फिर थोड़े बहुत डिप्स आ रहे हैं तो आप फ्रेम रेट्स पे नज़र रखिएगा। थर्टीज़ में आ गए, 20s में आ गए और फिलहाल 36-37 चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में ड्रॉप दिख रहे हैं मेरे को 36। लैग होते हुए थोड़ा, मेरे पास गन नहीं है। बंदा आ रहा है, अबे बॉट था, लूल गन नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब गैस मस्त 40 FPS हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ 30 MO बचा है वैसे इस गन में। कार नहीं ट्रेड मिले मेरे को, वो वॉल पे ही है। आजा भाई, भाई भाई भाई, अच्छा रुक जाना, मेरे को और एक गन चाहिए। नहीं है क्या? यूएमपी है, यूएमपी है, टच करना। टच कर लिया बंदा, इसमें यूएमपी है। वो बंदा भी विंडो पे है। हाँ ठीक है, ठीक है, दरवाजा दरवाजे से पूरी प्रोटेक्शन है, आप वो करो। फर्स्ट एड है मेरे पास, बैंडेज है। दूं मेरे पास है फर्स्ट एड। आपने एक मारा होगा, भाग ही रहा है ये बंदा। मेरे पास मेरे पास मिल रहे ले लो उसकी गन, उसके पास कुछ था भी नहीं शायद। नहीं उसके पास वो थी, अभी उठाई इसने, सॉरी पहले नहीं थी। क्या ये M762? इस क्रेट में भी बंदूकें होंगी। हाँ बंदा है, ये बंदा है, ठीक है सुन, बंदा है सामने रूम में जो गया। सामने आके बंदा बैठा है, उसको पड़ी यहाँ पे 40 FPS शुरू के फाइट के बाद हो जाते हैं वापस मस्त। अच्छा राइट जाना पड़ेगा अपने को, राइट। हाँ ठीक है, हील करके चलते हैं, वो नेट्स कर रहे हैं इसलिए। या लेफ्ट वाले में जाना है वापस, लेफ्ट आसान है जाना। मैं चुप से बैठा हूँ,
तो गाइज यहाँ पे हमें हो गए हैं पूरे 1 घंटे 5 मिनट और यहाँ पे हम फटाफट से टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं इससे पहले कि डिवाइस ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45.5 जा रहा था, अभी 45.2 हो गया। जैसे ही गेम से एग्जिट किया तो हल्का सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। और पीछे की साइड आप देख सकते हैं 46.7 डिग्रीज मैक्सिमम, 47 इनफैक्ट टच हो गया यहाँ पे। और जो सारी हीटिंग है ना वो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल के अराउंड ही है और यहाँ पे हल्का का वार्म भी फील हो रहा है डिवाइस। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन्फिनिक्स के नए हॉट 10S को लेकर? तो यहाँ पे TDM में तो इसने क्या मस्त स्मूथ 40 FPS एक्सपीरियंस दिया, एकदम बढ़िया तरीके से 40 FPS ही आ रहा था। ऐसा भी लग रहा था कई बार कि भाई फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहे फ्रेम्स। तो TDM में तो 40 FPS मस्त देता है, रैंगल में भी इसने काफ़ी हद तक 40 FPS स्टेबल मेंटेन कर रखे थे। जब बात आती है यहाँ पे सेनॉक बूट कैंप की, तो जब हमने इनिशियल ड्रॉप किया, ड्रॉप होने के बाद थोड़े टाइम तक, आप मान लीजिए लगभग 30 सेकेंड्स to 1 मिनट तक फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं क्योंकि बहुत सारी टीम्स आई भी होती है बूट कैंप में, तब यहाँ पे थोड़े से डिप्स आपको देखने को मिलते हैं। पर वो फटाक से थोड़े टाइम में ही जैसे लोग मरना शुरू हो जाते हैं वो स्टेबल होके वापस 40 FPS आ जाता है और आप अगेन फाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को उम्मीद से बेटर लगा इन्फिनिक्स का हॉट 10S। मुझे लगा था G85 है तो 30 to 40 फ्रेम्स शायद रहेंगे या 35 to 40 रहेंगे, पर इसने मोस्टली 40 के अराउंड मेंटेन करके रखा। थोड़ा बूट कैंप में नीचे जाता है, 30s तक जाता है शुरू में जब आप लैंड कर रहे हैं, पर उसके बाद अगेन 40s को ही मेंटेन कर रहा था, 38 टू 40 ये रख रहा था। तो अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सही आती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 10,000 का शायद ये मार्केट में देखने को मिलेगा, उस प्राइस पॉइंट पर अगर आपको देखने को मिलता है तो एक अच्छा 40 FPS ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। डिस्प्ले का बड़ा है और G85 यहाँ पे काफ़ी सही ऑप्टिमाइज्ड मुझे लगा 40 FPS गेमिंग के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।